नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है टारगेट विद मनीष। तो दोस्तों, आपके सामने मैं बायोलॉजी का ये सेशन लेकर आया हूँ। इसमें मैंने कई सारे फाइलम पढ़ाए, इसमें आज मोलस्का में पढ़ा रहा हूँ, आर्थ्रोपोडा मैंने पढ़ाया, बहुत सारे फाइलम पढ़ाए। इसमें से आप अगर इस पिछला फाइलम नहीं देखे हूँ, क्योंकि मैं ये टैक्सोनॉमी पढ़ा रहा हूँ। टैक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन से फाइलम में बिलोंग करता है। ठीक है, आपको दे दिया जाता है कोई भी कंपटीशन में कि फलाना ऑर्गेनिज्म कौन सा फाइलम का है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ रटने की आदत होती है ना कि इसका फाइलम ये है, इसका फाइलम ये है। तो आप इसको पहचान, अगर आप रटेंगे तो आसानी से चीज़ें भूल जाएंगे, लेकिन आप समझेंगे तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी, आप रिलेट करके भी चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो चलिए हम मोलस्का को पढ़ते हैं। मोलस्का के बारे में क्या होता है, कैसे हम किसी चीज जीव को मोलस्का बोल सकते हैं, मोलस्का को कैसे पहचान सकते हैं, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ आफेल आर्थ्रोपोडा। आपको बताया था कि आर्थ्रोपोडा दुनिया का सबसे ज्यादा जो फाइलम में है, कोई जितने भी फाइलम है उसमें से जो फाइलम में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में तकरीबन 1.5 लाख ऑर्गेनिज्म है। तो सेकंड लार्जेस्ट कौन है, तो सेकंड लार्जेस्ट मोलस्का है। मोलस्का फाइलम में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, यानी कि आर्थ्रोपोडा के में जितने आते हैं उसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, मतलब कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म मोलस्का में आते हैं। ठीक है, मोलस्का बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि आप इसको एक क्या कह सकते हैं कि इसको एक लेटरली काटेंगे, यानी कि बायलेटरली इसको इस तरीके से काटें, ये कोई बॉडी है मोलस्का को, कोई बॉडी है यानी कि मोलस्का कोई जीव है, इसको इस तरीके से काटेंगे तो जो इधर होगा जो इधर होगा, यानी कि इस लाइन के दोनों तरफ साइड में, दोनों साइड में मिरर इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो इसको कहेंगे बायलेटरल सिमेट्रिकल, यानी कि ये इसका प्रॉपर्टी है कि जब भी मोलस्का के जीव को हम काटेंगे लेटरली तो वो सिमेट्री बनाएगा। ठीक है, आगे है सिलोमेटा। सिलोमेटा आपको बताया था मैंने, सिलोम वर्ड से निकला है सिलोमेटा। सिलोम मतलब होता है कैविटी। ठीक है, तो इसके अंदर एक कैविटी होती है। ठीक है, जितने भी बॉडी होते हैं इसके अंदर देखिए कैविटी होती है, तो ये सिलोमेटा बॉडी शो करता है प्रॉपर्टी। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके पास अपना एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। जैसे अपन लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, अपन लोग का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है, सलाइवा से ही स्टार्ट हो जाता है, बहुत बड़ी हद तक जाते जाते डाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसके पास भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है मोलस्का जो फाइलम होते हैं। ठीक है, बॉडी कवर्ड बाई ये कैरियस सेल। ठीक है, यही आपको याद करना है, सबसे मेन प्रॉपर्टी ये है, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टी तो कॉमन होते हैं सभी जगह। तो ये कैलकेरियस सेल मतलब कि कैल्शियम का जो सेल, कैलकेरियस मतलब कैल्शियम सेल, जो आप देख रहे हैं कि जितने भी मैंने जीव बनाए हैं, ये जो एग्जांपल मैंने बनाए हैं इसके एग्जांपल हैं ये, इसके बॉडी कैलकेरियस सेल से ढके होते हैं, यानी कि कैल्शियम के जो ऊपर का कवर होता है उसको कैल्शियम का सेल से बना होता है। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल की मैं बात करूँ तो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस और सीपिया है, और ये स्नेल है। सीपिया को हम क्या कहते हैं, कैटल फिश भी कहते हैं, और ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं। ठीक है, तो ये मोलस्का था, मोलस्का थोड़ा छोटा था प्रॉपर्टी इसके, और इसके ऑर्गेनिज्म में भी जो कॉमन आते रहते हैं उसी को मैंने यहाँ पे लिया है। तो अगले लेक्चर में फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।